गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पूर्णिमा यादव कक्षा चौथी का कंप्यूटर बायोलॉजी आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आइए पढ़ते हैं पार्ट 5 विली माउस। तो पहला पॉइंट है विली माउस ने पेंट ब्रश प्रोग्राम इस प्रकार स्टार्ट किया। तो किस प्रकार स्टार्ट किया, तो स्टार्ट पर क्लिक किया, प्रोग्राम पर क्लिक किया, एक्सेसरीज पर क्लिक किया, पेंट पर क्लिक किया। तो इस प्रकार क्या हुआ, स्टार्ट बटन पर वे काम किए। विली माउस ने एलिप्स की मदद से एक विंत की रचना इस प्रकार की। किस प्रकार की, कलर पैलेट में मनपसंद रंग चुना, टूल बॉक्स से एलिप्स टूल पर क्लिक किया, माउस के क्लिक एंड ड्रैग प्रक्रिया द्वारा ड्राइंग के क्षेत्र में एक अंडाकार आकृति बनाए। उसने शिफ्ट की के द्वारा माउस को ड्रैग करके एक अन्य वृत्त बनाया। रफ बनना, तो रफ कैसे बनना स्टार्ट करते हैं, तो पिक कलर टूल पर क्लिक किया, टेक्स्ट टूल पर क्लिक किया, पीले रंग को कलर पैलेट से चुना और अपना नाम टाइप किया। कर्व टूल, कर्व टूल का प्रयोग कैसे होता है, तो पहले कलर पैलेट से अपनी पसंद का रंग चुना, कर्व लाइन टूल पर क्लिक किया, पॉइंटर को ड्रैग करके ड्राइंग के क्षेत्र में एक रेखा बनाई, माउस बटन छोड़ दिया। अब वह जहां रेखा मोड़ना चाहता है वहां पर वो ड्रैग करके उसके माउस का बटन छोड़ दिया। एडिट मेन्यू, अंडू कमांड, तो एडिट मेन्यू पर क्लिक किया, अंडू विकल्प पर क्लिक किया, स्क्रीन में रेखा मिट गई और स्क्रीन बिल्कुल साफ हो गया। सेलेक्ट ऑल कमांड, सेलेक्ट ऑल कमांड क्या है, तो सेलेक्ट ऑल कमांड में एडिट मेन्यू में ड्राइंग के क्षेत्र के सभी चीजों को सेलेक्ट करते हैं, ड्राइंग के क्षेत्र सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। क्लियर सेलेक्शन कमांड, क्लियर सेलेक्शन कमांड क्या है, तो जिस चित्र को या टेक्स्ट को मिटाना हो उसे सेलेक्ट कीजिए। अब एडिट मेन्यू से क्लियर सेलेक्शन विकल्प पर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट किया हुआ भाग मिट जाएगा। कट कमांड, कट कमांड क्या है, तो चित्र या टेक्स्ट जिसे मिटाना हो उसे सेलेक्ट कीजिए, एडिट मेन्यू में कट विकल्प पर क्लिक कीजिए, चित्र स्क्रीन से गायब हो जाएगा। इसे वापस लाने या कहीं और ले जाने के लिए पेस्ट क्लिक विकल्प पर क्लिक कीजिए। डेस्कटॉप बैकग्राउंड बनाना, तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं, तो चित्र को सेव करने के बाद फाइल मेन्यू पर क्लिक कीजिए, सेट ऑन वॉलपेपर विकल्प पर क्लिक कीजिए, स्क्रीन पर बनाया गया चित्र वॉलपेपर की तरह दिखाई देगा। तो यह हमारे पार्ट यही कंप्लीट हो चुका है। इस पार्ट का प्रश्न उत्तर खाली स्थान आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दिया जाएगा, जिसे अपनी कॉपी में आपको लिखना है। थैंक यू।